बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास एक वाशिंग मशीन है आईजी में, हिटाची कंपनी की है। ये भी 9 किलो की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 10 से इसकी वाश जो है 10 किलो और स्पिन जो है 9 किलो है 220 में। पहले इसका जो स्पिन है वो काम नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं इसका ये कवर खोलूँगा, खोल के देखूँगा। एक मोटर तो जाम नहीं है, क्योंकि वॉश वाली मोटर चल रही है लेकिन स्पिन वाली जो मोटर है वो काम नहीं कर रही। खोल लेते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। स्क्रू हमने खोल लिया, अब कवर को निकालेंगे। कवर को निकालने के बाद सबसे पहले इधर से ही नज़र मारेंगे, मोटर तो जाम नहीं। कभी कभी मोटर भी जाम है, मोटर हमारी जाम है, मोटर जो है जाम है, जिसकी वजह से ये स्पिन जो है नहीं चल रहा। वेल्डिंग हम निकाल के देखेंगे क्या है कि इसकी वेल्डिंग तो ना खराब। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, जिसके इसके यहाँ से इसके कनेक्शन है, यहाँ से निकाल लेंगे, देखेंगे आगे क्या फॉल्ट है इसमें। और ये भी देखेंगे किस वजह से हुई जाम, पानी वगैरह तो नहीं आया था। सबसे पहले ये टेप उतारेंगे, ये निकला, ये कवर। इसकी पहले ये देखेंगे तारे कौन सी है उसकी, इसके बाद क्लिप्स जो है उसको निकाल लेंगे, फिर ये जो है ये बटन निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ये कलर में, इसके बाद ये भी टेप उतार लेंगे। ये कवर है इसका, ये क्लिप्स जो है इसको ऐसे करके दबा के यहाँ से दबा के निकाल लेंगे। ये हमने अलहदा कर लिया, अभी इसके बाद ये अर्थिंग है, इसको अलहदा कर लेंगे। फिर ऊपर से खोल के पूरा मोटर जो है बाहर लेके आएंगे, और यहाँ से ये खोल लेंगे, ये वाला ऐसे, ये जो इसकी ब्रेक का वो तार है, ताकि नया मॉडल में ये आ रहा है अभी। ये मैंने निकाल लिया, ये देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। इसको इस तरह कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। अब क्या करना है, ये भी इस तरह के, ये देख सकते हैं ये वाले, ये वाला एक मैंने निकाल लिया, ये लॉक है, तीन निकालेंगे। और ऊपर वाले मोड को जो है स्क्रू जो है ये भी खोलेंगे, वो हट के ये वाला हट का, मेरे ख्याल से हट का उसको खोलेंगे, फिर इसको मोटर को बाहर निकालेंगे। मैं निकाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या फॉल्ट है इस मोटर वॉशिंग मशीन में। इसका कवर ऐसे मैंने निकाल लिया, अभी वो क्लिप भी मैंने निकाल ली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाले वो मुश्किल से निकलते हैं, इसको निकाल लिया। अब मैं ये करूँगा कि इसको बैरिंग लगवा के लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। इसको बैरिंग मैंने लगवा लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ओके, अभी उसी तरह इसको जो है कप्स करूँगा मैं। इसमें लगता है कूटा लगा दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये इसी तरह इस तरह यूँ करके आएगा, इस तरह करके इसको मैं थोड़ा दबा के बैठा लूँगा मोटर को, ठीक है। उनको सबको मैंने बैठा लिया, ये लॉक बैठाना ये जो है बहुत मुश्किल होता है, इसको
उठाने के लिए। तो इसी तरह गुलाब जो है इसी तरह लगा देंगे तीनों, स्क्रू आते नहीं है। और ये निकालना, ये बॉडी पूरा बाहर निकालना सबसे आसान रहता है। बहुत मुश्किल से फंसता है दोनों हाथों से। जितने स्क्रू खोले थे मैं इसी तरह वापस इसी को चारों तरफ से लगा दूँ, क्योंकि मैंने पूरी बॉडी खोली थी वो निकल नहीं रही, बिना इसको निकाले निकलती भी नहीं है। नीचे रख के मैंने दो तीन लगा लिए थे ताकि उल्टी सी समय में बढ़ गया। इसको पूरे स्क्रू लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को मोटर चालू करके दिखाऊंगा। मैं कनेक्शन करूंगा, ठीक है। ये वाले जो निकाले थे उसी तरह लगा के टेप भी कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए आपको तो। इसको इतना दबाना कठिन नहीं, बस जिस तरह कलर है ना उसी तरह कलर लगा देंगे। सही, इसमें ये देख सकते हैं कलर और है, ये ब्लैक है, लेकिन टेप लगा के ब्लैक रखा हुआ कि ये ब्लैक के साथ आएगा, ठीक है ना। और ये वाला थोड़ा देख लेना, अगर पाँच उसी तरह है तो उसको पंच करके थोड़ा उसके अंदर तार आ जाए, बस तार आ जाएगी तो बेहतर रहेगा। बस थोड़ा ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। इसकी मैं से टेप मैंने नहीं निकाला था, जिसकी ये क्लिप जो है उसी के साथ लगेगा, ये वाला इसका क्लिप जो है ये वाला उसकी जगह पे लगेगा। उल्टा भी लगाएंगे तो लगेगा नहीं, लाजमी इसको अपनी जगह पे बैठना चाहिए। हमारा बताया एक और थी कर दो, ये वाली तार जो है उसकी मोटर को मैंने कनेक्शन देना था बिल्कुल मैंने नहीं दिया, उसको खोल लेंगे फिर ये इसके साथ आएगा। अर्थिंग वाले को भी लगा देंगे थोड़ा इसको खोल के, ये हमारा रेडी है। ये हमें बची तार ये वाले, इसको उसी तरह इस जगह पे नज़र नहीं आ रहा, ये वाली तार जो है इस प्रकार के फिर उसी तरह अगर नहीं आए तो ऊपर से ढक्कन उठा लोगे तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा इस प्रकार के, और नीचे से भी थोड़ा खींच लें ऊपर, अभी वो नीचे बैठो। ओके, अभी आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। अभी स्क्रू बाकी देख सकते हैं वो बैठ गया, उसको कट की जगह पे लेके आके स्क्रू लगा देने का, मैं लगा लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, जगह बहुत कम है। उसको सेटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। उसको मैंने फिटिंग कर ली है क्रैंक की मदद से, अभी इसको चालू करेंगे।
उसके साथ हम बेयर भी चेक कर लेंगे ताकि जो मेन तार है उसके साथ मैं लगाऊंगा। ये देख सकते हैं क्या देख, ठीक है, मोटर हमारा रेडी हो गया। अभी इसका मैं कवर लगाऊंगा, इसको टेप लगाऊंगा, लगा के फाइनल करता हूं। इसका अब कवर लगाएंगे। सबको एक बार लगा लेंगे। वॉशिंग मशीन हुई कंप्लीट। मुझे जी दी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।